फिर मनुष्यों को परस्पर कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो धन के सदृश सबके बढ़ाने वाले हैं वे अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर प्रयत्न करते हैं, फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम आचरण को देख के वैसा ही आचरण करें और सब मिलके ऐश्वर्य को प्राप्त होकर न्याय से प्रजा की रक्षा करें। भावार्थ, जो लोग रोग के हरने वाले भोजनों और जलपानादि को देते हैं और परोपकार करते हैं वे यहाँ प्रशंसा करने योग्य हैं, फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिन कर्मों और जिस बुद्धि से विज्ञान और आनंद बढ़ते हैं उनकी आप लोग वृद्धि करिए, फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य राग और द्वेष का त्याग करके परस्पर रक्षण करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य इस संसार में धर्मयुक्त कर्म करते हैं वे सर्वदा स्तुत किए जाते हैं। जैसे देना प्रियकारक होता है वैसे लेना नहीं प्रियकारक होता है। इस सुक्त में इंद्र, विद्वान, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह ऋग्वेद भाष्य के छठे मंडल में दूसरा अनुवाक, 23वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 24वें सुक्त का आरंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में अब राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, उत्तम कर्मों को करके सत्यवादी, इंद्रियों को जीतने वाला, पिता के समान प्रजापालक वर्तमान हो वही सर्वत्र प्रकाशित कीर्ति वाला हो, फिर राजा और प्रजाजनों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग जो मनुष्यों में उत्तम, अधिक बल और बुद्धियुक्त, यथार्थ का सुनने वाला तथा संग्राम में बुद्धि विद्या का दान देने वाला है उस ही का सदा सत्कार करो। फिर सूर्य और पृथ्वी का कैसा वर्ताव है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पहियों की धारण करने वाली धूरी वृक्ष की शाखाओं के समान बढ़ती है और अंतरिक्ष में स्थित होती है, वैसे सूर्य के चारों ओर संपूर्ण भूगोल घूमते हैं, वैसे ही न्याय के मार्ग से प्रजाएं चलती हैं। फिर राजा और प्रजा को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वे ही राजा जन प्रशंसित प्रताप वाले होते हैं जो अन्याय और पीड़ा आदि के बंधन से प्रजाओं को छुड़ाकर धर्म मार्ग में चलाते हैं, और जैसे बछड़ों को बढ़ाने वाली गौ होती है वैसी ही प्रजा को बढ़ाने वाले राजपुरुष हों। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो राजा प्रतिदिन बारंबार सत्य कर्म का आचरण करता है वह सबके न्याय करने में पक्षपात का त्याग करके मित्र के सदृश होता है और सब इसके वश में होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे पर्वत के ऊपर वर्तमान जल शीघ्र जाकर जलाशय को प्राप्त होता है वैसे जो आपकी प्रजाओं के हित के चाहने वाले जन आपको प्राप्त होते हैं उनके सहित ही आप सदा उन्नत होइए। फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही विद्वान वृद्ध होकर वृद्धि को प्राप्त होता है जो सबको अच्छे बुद्धिमान, सुशील तथा धर्माचरण करने वाले करता है, और जो निर्विकार और जन्म मरण बुढ़ापा आदि दोषों से रहित परमात्मा की उपासना करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे बिजलियां अथाह गुण वाली हैं वैसे ही परमात्मा के असंख्य गुण हैं, और जो परमात्मा और यथार्थ वक्ता जनों का त्याग करके
दुष्टों का संग करते हैं, वे सब काल में दुखी होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ जो यम और नियमों से युक्त हुए कार्य की सिद्धि के लिए दिन रात प्रयत्न करें, वे उत्तम होते हैं। भावार्थ जो विद्वान जन हैं, वे दूर वा समीप में वर्तमान हुए न्यायाचरण और योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाए हुए वस्ती और जंगलों में पुरुषार्थ से प्रजाजनों की रक्षा करें। इस सुक्त में राजा, विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 24वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 25वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अब राजा क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो आप प्रजाओं की सब प्रकार से रक्षा करें तो प्रजा भी आपकी सब प्रकार से रक्षा करेगी। फिर सेना का स्वामी क्या करे, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ वे ही सेना के स्वामी सत्कार करने योग्य हैं, जो अपनी सेना को उत्तम प्रकार शिक्षा दे और उत्तम प्रकार रक्षा कर और सत्कार करके युद्ध विद्या में चतुर करके डाकुओं और अन्यायकारी शत्रुओं को निवारण करके अच्छी प्रजाओं की निरंतर रक्षा करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही मंत्री उत्तम हैं, जो धार्मिक प्रजाओं की पुत्र के सदृश रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं और अपनी सेनाओं को बढ़ा के शत्रुओं की सेना को पराजित करते हैं। फिर राजा और मंत्री जन क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे संग्राम में शूर जन शूर वीरों का विभाग करके युद्ध करते हैं, वैसे ही राजा और अमात्य श्रेष्ठ और अधर्मों का विभाग करके अधिकारों से युक्त करके आज्ञा देवें और जैसे खेती की विद्या से खेतिहारों को जनावें, वैसे ही अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त करावें। फिर वह राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ राजा और राजपुरुषों को चाहिए कि विशेष करके सेनाजनों से ऐसा पराक्रम और विज्ञान बढ़ावें जिससे कोई भी युद्ध करने की इच्छा न करे। फिर वह राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो राजा पक्षपात का त्याग करके शत्रु और मित्र का सत्य न्याय करता है और सब अधिकारों में धार्मिक बुद्धिमान जनों को रखता है और सब प्रकार से सेना में कुलीन दृढ़ राजभक्तों को नियुक्त करता है, वही सर्वदा विजयी होता है। फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, विश्वास युक्त कुलीन मुख्य राज्य में हुए जनों को इस राज्य और सेना के मध्य में रक्षा के निमित्त नियुक्त करिए और उनकी रक्षा निरंतर करिए। फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए जन, आप उत्तम कर्मों को करिए और उनके साथ अनुकूल हुए उनका धन आदि से निरंतर सत्कार करिए और सदा ही सत्य के उपदेशक विद्वानों के संग से संपूर्ण राज विद्या को जानकर निरंतर प्रचार करिए। फिर वह राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो राजा अच्छे योद्धा वीरों को प्रथम ही उत्तम प्रकार शिक्षा देकर युद्धों में प्रेरणा करता है, उस सब प्रकार से रक्षा करने वाले राजा का सब शूर वीर जन आश्रय करते हैं। इस सुक्त में इंद्र, शूरवीर, सेनापति और राजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ